नमस्कार दोस्तों, मैं सुजीत कुमार आपका स्वागत करता हूं हमारे इस YouTube वीडियो ट्यूटोरियल में, जहां आप सीखते हैं एडवांस एक्सेल एंड वीवीएम माइक्रो प्रोग्रामिंग सिक्योर सिक्योरिटी के साथ। तो दोस्तों, आगे हम आज जिस टॉपिक पे डिस्कस करने जा रहे हैं कि एसक्यूएल सर्वर 2014 में आप एक्सेल की डेटा को एक्सेल में एक्सपोर्ट कैसे करोगे। लास्ट क्लासेस में हमने आपके साथ डिस्कस किया था कि एसक्यूएल सर्वर पे एक्सेल का डेटा कैसे इम्पोर्ट किया जाता है, और आज हमारी जो टॉपिक है वो एक्सेल की डेटा को कैसे इम्पोर्ट करेंगे। तो सबसे पहले एसक्यूएल सर्वर को बताते हैं आपको कि एसक्यूएल सर्वर है, इसमें हमारे पास H1 का डेटा है। मैं इसको राइट क्लिक करके सिलेक्ट टॉप 100 कर देता हूँ, तो इसका लिस्ट मुझे शो कर जाएगा। लिस्ट आ गया। अब ध्यान देने वाली बात यह है, ध्यान रखिएगा कि जब भी डेटा एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो सबसे पहले तो आपको एक्सेल फाइल बनानी पड़ेगी। ध्यान रखिएगा, एक्सेल फाइल जो कि डॉट एक्सेल एक्स की हो, 2014 जो है वो एक्सेल सर्वर 2007 को सपोर्ट नहीं कर पाता है, इसलिए आपको जो है बनाना पड़ेगा। दूसरा, आप जब बनाते हैं तो इसकी जो डेटा है, ये जो डेटा है उस हेडिंग है, ये हेडिंग आपको खुद ब खुद सेलेक्ट रखना पड़ेगा। तो दो चीज़ आप कर लीजिए, फाइल बना लीजिए जो कि 2097-2003 के फॉर्मेट पर हो, और दूसरा उसकी जो हेडिंग है वो हेडिंग आप मेंटेन कर लीजिए। चलिए अब हम बात करते हैं एक्सेल सर्वर में डेटा को सपोर्ट करने के लिए। जो डेटाबेस है उस डेटाबेस के ऊपर राइट क्लिक कीजिए, टास्क में जाइए, और यहाँ पे हमारा आता है एक्सपोर्ट। नेक्स्ट कीजिए इसकी विजार्ड को। यहाँ पे डेटा सोर्स, आपका डेटा सोर्स क्या है, तो मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया कि माइक्रोसॉफ्ट OLEDV प्रोवाइडर फॉर एसक्यूएल सर्वर, इसको हमने सिलेक्ट कर लिया। अगर आपके पास क्लाइंट वगैरह, क्लाइंट सर्वर वगैरह है तो क्लाइंट यूज करोगे, लेकिन मेरा ये जो सर्वर है ये हमारा लोकल होस्ट है, तो इसलिए किया, और इसमें मैंने कोई पासवर्ड सेट नहीं कर रखा है, विंडो एप्लीकेशन पे है तो हमने विंडो एप्लीकेशन के लिए भी ले रखा है। उसके बाद यहाँ से अपना डेटाबेस ऐसा बाई डिफॉल्ट इस पर राइट क्लिक करोगे वो आ जाएगा, लेकिन कभी गलती से कोई और चूज करना पड़ा तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। फिर नेक्स्ट, अब बात करते हैं डेस्टिनेशन कि आप कहाँ एक्सपोर्ट करना चाहते हैं। तो मैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पे एक्सपोर्ट करना चाहता हूँ, तो किस पर्टिकुलर फाइल में, तो हमने यहाँ सेलेक्ट कर लिया कि मुझे यहाँ एक्स डेटा जो है इस पे एक्सपोर्ट करना है। यहाँ पे फर्स्ट रो कॉलम नेम्स है कि हाँ इसके फर्स्ट कॉलम कॉलम है। नेक्स्ट किया, और यहाँ पे कॉपी एक दूसरा रहता है, एक रो होता है कॉपी एंड फ्रॉम द वन मोर टेबल व्यूज, तो ये कॉपी कर देगा आपका डेटा को। नेक्स्ट, कौन सा टेबल चाहिए, तो मुझे चाहिए ए। एंड नेक्स्ट, अब यहाँ पे जो इसके कॉलम्स हैं वो कॉलम्स यहाँ पे आपको यूज कर रहा है, ये कन्वर्ट करेगा, हमें नहीं कन्वर्ट नहीं करना है, जैसा है उस तरह से डाल दो। क्योंकि वो डेसिमल्स है ना, इसलिए। अगर ऐसे करने की जरूरत भी नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूँ कन्वर्ट ना करना। फिर यहाँ पे नेक्स्ट, एक मिनट, इसमें मैंने हालांकि इसकी जरूरत नहीं पड़ती है, नहीं कन्वर्ट तो लगाना ही पड़ेगा। नहीं, रन तभी होगा जब इस पे हम कन्वर्ट लगाएंगे, वो कन्वर्ट कर देता है कि डेटा टाइप जो है उसके अकॉर्डिंग।
अब नेक्स्ट कीजिए, रन इमीडिएटली एंड नेक्स्ट एंड फिनिश। हाँ सक्सेस हो गया। वो दिक्कत होता है यहाँ पे सक्सेस नहीं होता, एंड क्लोज। उसके बाद आप एक्सेल की फाइल को खोल के देख सकते हो, वहाँ पे आपका डेटा आ चुके हैं। एक पे डेटा नहीं है, ओ एक मिनट, मैंने इग्नोर कर दिया ना, इस कारण से डेटा नहीं आ रहा है। गलती मेरी है ना, दोबारा बताता हूँ। अबे सोर्स, नेक्स्ट, नेक्स्ट, हाँ यहाँ फेल होगा, नेक्स्ट, नेक्स्ट एंड फिनिश। इसने बता दिया एंड क्लोज। अब मैं फाइल ओपन करूँगा, मुझे डेटा दे जाएगा। तो बेसिकली इसने फिल डेटा के नीचे करता है, तो ऊपर जो है हमने डेटा डिलीट किया था। यहाँ देखिए हर बार डेटा एक के नीचे एक ही डालता है। तो अभी जो दिक्कत क्या हो गई थी, दिक्कत हो गई थी कि यहाँ हम देख रहे थे क्योंकि यहाँ पे पहले से डेटा थी तो हमने उसको डिलीट किया था। तो इसने इस जो डिलीटेड एरिया पे नहीं किया और नीचे आया कर दिया। ये क्या करता है, यूज सेल के नीचे चलता है। तो इतना सेल यूज हो चुका है इस कारण से इस्तेमाल नहीं हुआ। यहाँ नई चीज़ सीखने को मिली है कि जो यूज हो चुका है उस पर नहीं, उसके नीचे आता है। तो अगर आप इसकी ट्रिगर बना लेते हो तो हर बार जब करोगे तो हर बार डेटाबेस को एक के नीचे हो स्टोर करते चले जाता है एक्सपोर्ट में। तो इसी तरीके से आप हमारे साथ बने रहिए, तो आप एडवांस एक्सेल, वीवीए माइक्रो, एमएस एक्सेल डेटाबेस के साथ कंप्लीट एमआई स्टोर रिपोर्ट ऑटोमेशन का चीज सीख सकते हो। अगर आप मेरी अगर आप चाहो मेरी लाइव क्लास लेना चाहते हो, हमारी लाइव क्लास भी ले सकते हो। मेरी वेबसाइट iptindia.com जो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है उस पर लॉगिन कीजिए, वहाँ आपको सारा डिटेल मिल जाएगा। या फिर मुझे कॉल करना चाहे तो कॉल कर सकते हैं, स्क्रीन पे मेरा नंबर दिया हुआ है। और साथ में वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ रिकमेंड कीजिए। अगर कोई डाउट होगा, कुछ पूछना हो तो मुझे कॉल कर सकते हैं।